अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो आज किस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए ऑटो सब्सक्राइबर, वो भी न्यू विजिल के साथ। तो लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका था कि कैसे ऑटो सब्सक्राइबर का काम करता है, लेकिन मैंने आपको इसको प्रोवाइड नहीं किया था। लेकिन आज हम इसको प्रोवाइड करेंगे आपको, इसका तरीकाकार बताएंगे कैसे ये काम करता और कैसे आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज करता है। तो ये वाला जो ऑटो बूटर है बूट है, इसके जरिए आपके सब्सक्राइबर ड्रॉप नहीं होंगे। इसमें आपको दो तरीके आपको फैसिलिटेट किए जाते हैं। एक तरीका कि आपकी हर दफ़ा आईपी चेंज होती है न्यू सब्सक्राइबर पर, और इसके अलावा आपका जो सब्सक्राइबर है वो सर्च के जरिए आपको मिलेगा। यानी आपकी जो वीडियो का टाइटल है वो आपने देना है, वो टाइटल वो फाइंड करेगा। अगर उसका सेम सा टाइटल उसको मिल गया तो वो सर्च करके आपको उस वीडियो को प्ले करेगा। उसके ठीक 30 सेकंड के बाद उसको सब्सक्राइब करेगा, और 30 सेकंड के बाद यानी एक मिनट की वीडियो आपकी पूरी वो वॉच करेगा, फिर सब्सक्राइब करके उस वीडियो को क्लोज करेगा, नेक्स्ट वीडियो फिर से किया नहीं। तो आपको तरीकाकार समझा देता हूँ। तो चलिए, ये जो लिंक है मैं आपको सामने, ये जो मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ सॉफ्टवेयर, मैं कहा कि ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाके इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर RDP भी आपने ओपन किया है, तो यहाँ पर इसको वहाँ पर जाके डाउनलोड करूँगा। तो ये जो IP वो प्रोवाइड करता है वो टोर ब्राउज़र के साथ अटैच की गई है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको बता दूं कैसे टोर ब्राउज़र के साथ इसको आपने अटैच करना है और कैसे ये काम करती है। तो चलिए, यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से ये वाली लिंक है YouTube ऑटो सब्सक्राइब फाइनल, तो इसको मैं गेट मैनेजर लिंक पर जाके इसको कॉपी कर लूँगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसीलिए आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पर प्रोफाइल मल्टी है तो हम एक प्रोफाइल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो राइट क्लिक करके पेस्ट एंड गो पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर 20 इसका 28 इसका जो साइज़ है, तो डाउनलोड कर सकते हैं आप इजीली इसको। 20.8.6 MB इसका साइज़ है, तो ये इजीली डाउनलोड हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये ठीक है, जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये ओपन अब हो जाएगा। तो अब इसको डाउनलोड करके, अब इस ये वाली फाइल है, इसको यहाँ ड्रैग डाउन करके डेस्कटॉप पर लेके आता हूँ मैं। ठीक है, डेस्कटॉप पर मैं लेके आ चुका हूँ, तो ये अब हो चुके हैं। यहाँ पर इसको क्लोज कर देना। तो ब्राउज़र ये ओपन करने से पहले या इसको यूज़ करने से पहले आपने टोर ब्राउज़र डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल आपने डेस्कटॉप पर ही करना है, आपने इसकी जो भी बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है कुछ भी चेंज नहीं करना, आपने डेस्कटॉप पर इसको क्या करना है, इंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप पर इंस्टॉल हो चुका है, ये ब्राउज़र आपने ओपन करना है। जैसे इंस्टॉल हो जाए तो ब्राउज़र इंस्टॉल होने के बाद आपने यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर जाना है, और इसके बाद आपने टोर ब्राउज़र के अंदर जाना है, इसके बाद आपने टोर पर जाना है, और यहाँ पर आपको टोर की एक AXE फाइल मिली है, इस पर आपने डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है, या आप राइट क्लिक करके इसको एक दफ़ा ओपन कर लें। तो ये यहाँ पर आपको स्क्रीन के अंदर ओपन नहीं होगी, लेकिन बैकग्राउंड पर आप ओपन हो चुकी है। इससे क्या होगा कि हमें IP एड्रेस ये प्रोवाइड करेगा, अगर आप ऐसा नहीं करते ये काम नहीं करेगा। तो आपने सबसे पहले ये वाली फाइल को रन करना है, ठीक है, आप इसको क्लोज करना है। आप अपने टोर ब्राउज़र को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, यहाँ ही आपने यूज़ करना है। इसके अंदर चलते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपको ये चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर, जैसे इस फाइल को आप रन करेंगे तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, तो उस पर आप जाके हमारा यहाँ पर लॉगिन फाइल आप ले सकते हैं। तो लॉगिन इसके अंदर होगा, लेकिन आपको हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा अपना मेल और पासवर्ड जो आपने इंटर करवाना है। तो मैं यहाँ पर अपना मेल और पासवर्ड लगा देता हूँ, और इसको मैं बाद में चेंज भी कर लूँगा। तो यहाँ पर देखते हैं, इंटर करता हूँ और ये वाला पासवर्ड मैं इंटर कर देता हूँ ताकि इसको मैं लॉगिन कर सकूँ, ठीक है ना। अब मैं इसको इंटर करता हूँ तो यहाँ पर मैसेज आ चुका है लॉगिन सक्सेसफुली। तो 10 सेकंड के बाद ये ऑटो क्लोज हो जाएगी फाइल, अगर आपने करनी है तो कर सकते हैं जब ये लॉगिन हो जाए। तो मैं इसको क्लोज नहीं करने वाला, ये ऑटो क्लोज ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऑटो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए वीडियो टाइटल की एक फाइल है, तो आप यहाँ पर देखिए ये वाला टाइटल है वीडियो का। तो आपने यहाँ पर देखिए, मैं ये अपनी वीडियो पर चलता हूँ, ये टाइटल कंप्लीट नहीं है, आपने कंप्लीट जो आपकी वीडियो का टाइटल है वो आप सेम सा कॉपी करना है, उसके अंदर थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर कोई भी अपनी वीडियो चैनल पर ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जितना भी टाइटल आपकी वीडियो का सेम वही लेना है। ये ना हो कि आपने किसी वीडियो और भी वो चैनल की हो तो वो आपका भी टाइटल वो हो, उसका भी वो, आपने यूनिक टाइटल रखा है, आप एक से ज़्यादा टाइटल भी यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि दोनों किसी और के चैनल की टाइटल वो हो तो आपका भी नहीं, आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपका टाइटल थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। तो आप मुझे सजेशन कर सकते हैं इस कमेंट्स के अंदर, तो आप इसको अंदर आप मैं अपग्रेडेशन कर दूंगा, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है ना। ये वाला टाइटल जैसे कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया, आरडीपी के अंदर चलते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो आपने दो या तीन वीडियो का ऐसे करना है, तो यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ। तो वेट करते हैं यहाँ पर इसके लोडिंग पर जाए, तो क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल ए करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसने पेस्ट कर दिया, अगर आपने नेक्स्ट वीडियो करना है तो इंटर करके अगेन से यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो आपने अपने चैनल में से तीन से चार टाइटल लेने हैं रैंडमली वीडियो के, तो ये क्या करेगा, रैंडमली यहाँ से उठा लेगा और वीडियो को सब्सक्राइब करता जाएगा। तो इसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेव, आप देखते हैं यहाँ पर स्टार्स, जैसे ये सेव होगा से स्टार यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, ये सेव हो गया। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, क्लोज करने के बाद प्रोक्सी का फाइल आपको जरूरत नहीं है। ये फील्ड ईमेल के अंदर क्या होगा कि आपकी जो ईमेल वगैरह नहीं लगती वो बता देगा, या ये ईमेल आपकी नहीं लग रही इसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो अकाउंट्स के अंदर आपने जाना है, अकाउंट्स के अंदर आपकी यहाँ पर देखिए ये demo@gmail.com है, तो आप यहाँ पर अपनी मेल लगाएंगे सबसे पहले जो आपकी रिजनल मेल है, तो 2 auth वेरिफिकेशन ईमेल आप यूज नहीं करेंगे। इसके बाद आपने सभी को लगाना है, इसके बाद आपने पासवर्ड अपना लगाना है, आपने एक से ज़्यादा करनी है तो आप अगेन से इंटर करेंगे, अपना ईमेल लगाएंगे सेम सा, फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देना लाजमी है ना, मिस्टर शिबाज मैं टाइप करता हूँ एट, समझाने के लिए जस्ट, @gmail.com सभी कोलन लगाया। इसके बाद आपने जो भी पासवर्ड है 1 2 3 4 वो जो भी आपने पासवर्ड वो इंटर कर देना, अगेन से इंटर करना, और आपने जितनी ईमेल है वो आपने यहाँ पर लगा देनी है, ठीक है। इसको मैं सेव नहीं करने वाला, तो ना डू नॉट सेव। तो अकाउंट्स की आपने ये इसको छेड़ना नहीं, इसके अंदर आपका जब ये लॉगिन करेंगे आपकी ईमेल आएगी और यहाँ पर आपका आईपी एड्रेस आएगा, आप इसको डिलीट कर देंगे तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, आपने इसको डिलीट नहीं करना। तो इसके अलावा आपको लॉगिन एरर इमेज के अंदर ये आएगा कि आपको वो इमेज प्रोवाइड कर देगा, यार भैया ये ईमेल इसलिए नहीं लग रही इसके अंदर ये पासवर्ड रॉन्ग है। तो चलिए आपको समझाने के लिए था, सबसे पहले आपको रॉन्ग ईमेल का चेक करा देता हूँ मैं। सबसे पहले आपने लॉगिन, सबसे पहले लॉगिन करना है, इसके बाद आपने ऑटो सब्सक्राइब पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले हमारा जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है, आपने ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेना है। अगर आपको ये टूल चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में ये इसकी लिंक मिल जाएगी, और आपको लॉगिन चाहिए तो आप ये आपको इसके अंदर आपको लॉगिन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आपको बता रहा है कुड नॉट फाइंड योर गूगल अकाउंट, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर भी एरर हो चुका है, योर ईमेल रॉन्ग, क्यों, वो बता रहा है कि आपकी ईमेल नहीं है, तो नेक्स्ट ट्राई करेगा, क्योंकि नेक्स्ट तो है नहीं, ये क्लोज कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर इसको नेक्स्ट मेल नहीं मिलती तो ये ब्राउजर ओपन नहीं करेगा, तो थोड़ा सा वेट कर लें तो कोई बात नहीं। तो आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है, और इसको लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना है। यहाँ पर देखिए एग्जैक्टिंग कर रहा है, ताकि आपके एक लाइक और शेयर की वजह से हमारा हौसला अफजाई हो सके। अगर आपके जेहन में कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी अपग्रेडेशन कर सके। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो अकाउंट है यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर RITX की फाइल बनाई हुई, जिसके अंदर मैंने 2 से ज़्यादा अकाउंट लगाए, 2 लगाए हुए हैं, तो इसको यहाँ पर मूव कर लेता हूँ और रिप्लेस कर लेंगे, हमारा अकाउंट ये काम करे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको लेके, ओ सॉरी, नहीं 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 क्या कर दिया मैंने, टाइटल वाली फाइल तो है, मैंने इसको यहाँ पर लेके आता हूँ, ड्रैग डाउन करके मूव करता हूँ यहाँ पर, इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब हमारा जो अकाउंट वो आ चुके हैं, इसको मैक्सिमाइज करके अब इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। अब वो क्या करेगा, आपने टोर ब्राउज़र को लाजमी रन करना है, अगर आप टोर ब्राउज़र रन नहीं करते तो क्या मैं नहीं करने वाला। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ये ईमेल टाइप करेगा, इसके बाद पासवर्ड टाइप करेगा, और देखते हैं आपके सामने जो भी वो कर रहा है। मैंने अपना माउस और कीबोर्ड छोड़ दिया, अब ये करेगा जो भी करेगा, अगर कोई एरर वगैरह आता है तो इमेज वहाँ पर वो भेज देगा, तो जो डेमो वाली इमेज वो भी भेजी होगी, तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जैसे ये लॉगिन होगा। तो आपने ये काम जब कर रहा हो तो आपने कोई और काम नहीं करना, इससे क्या होगा कि आपका ये काम ठीक करेगा, अदरवाइज ये काम ठीक से नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अब देखते हैं कि हमें किस कंट्री से ये YouTube ओपन करके देता, तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स से होगा तो वहाँ पर नहीं टाइप किया होगा YouTube के साथ, अगर नहीं होगा तब ये टाइप नहीं करने वाला। तो देखते हैं,
तो हमारी जो यूट्यूब है वो ओपन हो चुकी है। देखते हैं किस कंट्री से ये ओपन हो रही है, तो ये मे बी यूनाइटेड स्टेट्स कहीं से भी हो, हमें तो नहीं इस बात का। तो हमें ये क्या करेगा, अब ये सर्च करेगा, ठीक है ना। अब ये इसने सर्चिंग करना स्टार्ट कर दिया, यानी आपका जो कीवर्ड वो टाइप करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ये टाइप कर रहा है, टाइप करके ये सर्च करेगा, जैसे इसको ये वीडियो मिल जाएगी। आपने सेम सा टाइटल रखना है जो आपकी वीडियो का, आपने ये नहीं कि आपने किसी और की वीडियो भी देखी है उसका टाइटल भी अपना ये रख, नहीं, आपका टाइटल थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए ताकि इसको फाइंड करने में आसानी हो। अगर एक से ज़्यादा हो गए, एक से ज़्यादा आपकी वीडियो एक टाइटल से होगी तो वो इनमें से रैंडम उठा लेगा, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिएगा, आप देखते हैं क्या करता है। तो इसको सेम सा टाइटल टॉपिक वीडियो मिल गया, ओके। अब इसको क्या करेगा, ये सब्सक्राइब किएगा। तो ये सब्सक्राइब नहीं है तो आपके सामने ये कह करेगा 30 सेकंड वीडियो यहाँ पर प्ले करेगा, इसके बाद इसको सब्सक्राइब करेगा। अदरवाइज अगर सब्सक्राइब होगा तो इसको अनसब्सक्राइब नहीं करेगा। तो क्लिक जरूर करेगा लेकिन अनसब्सक्राइब आपका नहीं होगा, अगर आप रेडी ईमेल पर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसे ये अनसब्सक्राइब नहीं करेगा। तो 30 सेकंड का वेट करते हैं, 30 सेकंड मैंने इस पर रखे ताकि ये एक वीडियो को, एक मिनट की वीडियो भी प्ले हो और आपको सब्सक्राइब भी मिल जाए। तो इससे क्या होगा कि आपके सब्सक्राइबर जो है वो ड्रॉप नहीं होंगे। तो ये देखिए आपके सामने इसको सब्सक्राइब इसने कर दिया, अब क्या करेगा वो इसको क्लोज कर देगा और नेक्स्ट ब्राउज़र पर जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये क्लोज होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या कर रहा है, यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए अब इसको क्या करेगा, उसने बोल दिया कि सब्सक्राइबर कर दिया है, 30 सेकंड के बाद ये बोल देगा यार इसको सब्सक्राइब कर दिया, नेक्स्ट ऐप ओपन कर दे यार। तो इस उसने बता दिया कि ऑटो टाइप ये आपकी ईमेल है और पासवर्ड इसने हिडन रखा है ताकि आप किसी को भी इसके पासवर्ड के बारे में नहीं पता चले। तो अभी क्या करेगा, न्यू ब्राउज़र इसने ओपन करना है, अगेन से कोई न्यू ईमेल लगाएगा और फिर इसको सब्सक्राइब करेगा और फिर से अगेन से इसको रैंडमली यहाँ पर आपके कीवर्ड है वो टाइप करेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक जरूर करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आपके एक शेयर की वजह से किसी के नॉलेज में इजाफा हो सके और किसी का फायदा हो सके। हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो, फायदा हो। तो सजेशन आपने अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जो भी इसके सॉफ्टवेयर के रिलेटेड आपकी है तो हम उसके हिसाब से इसको न्यू अपग्रेडेशन के अंदर इस आपके सजेशन को यहाँ पर ऐड कर सकें। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, अब जब ये यूट्यूब पर अगेन से जाएगा, अगेन से वीडियो सर्च करेगा और अगेन से इसको सब्सक्राइब भी कर देगा। तो अगर कोई आपके जहन में इसके रिलेटेड कोई सजेशन है तो ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसके हिसाब से नेक्स्ट जो है इसकी अपग्रेडेशन कर सकें। अब अगेन से क्या करेगा, इसको वेट करते हैं। अब इसी अगेन से इसको टाइप करना स्टार्ट कर दिया, अगेन से ही अब इसको सर्च करेगा। तो आपने को मैं अगेन से बता रहा हूँ कि आपने इसका जो टाइटल वगैरह है वो आपने सेम रखना है, जो आपकी वीडियो का है वो ही आपने इसके अंदर इंटर करना है, अदरवाइज ये आपकी वीडियो फाइंड नहीं करेगा और इसको क्लोज कर देगा। तो ये टाइप कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यार, अगर बूट अच्छा लगे तो मेरे लिए एक तो लाइक तो जरूर बनता है। तो चलिए, तो टोर ब्राउज़र आपने लाजमी इंस्टॉल करना है, अगर आप टोर ब्राउज़र इंस्टॉल नहीं करेगा तो ये रन भी नहीं करने वाला। तो टोर ब्राउज़र से क्या होगा कि आपकी आईपी डिफरेंट इसको मिलती रहेगी, अगर एक आईपी से आप ऐसा करेंगे तब ये सब्सक्राइब नहीं करने वाला और आपके सब्सक्राइब भी ड्रॉप होते जाएंगे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ, ये यहाँ पर इसका सब्सक्राइबर किसी और टाइप से आया, क्योंकि इसकी आईपी चेंज है, हर आईपी के हिसाब से इसको यहाँ पर देखिए आप इसको ऑटो सब्सक्राइब भी करेगा और ज़्यादा सब्सक्राइब यहाँ पर या ज़्यादा स्क्रोल ना हो जाए, थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं छोड़ देता, ये देखिए हमारा माउस यहाँ पर है और ये ऑटो ही सब्सक्राइब करने वाला है। तो वेट कर सकते हैं आप थोड़ा सा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ओके। तो देखिए ये अब क्या हुआ, आप इसने सब्सक्राइब कर दिया, 30 सेकंड का वेट करेगा और क्योंकि इसके बाद अब नेक्स्ट ईमेल नहीं ओपन करेगा, क्योंकि इसके अंदर ईमेल ही मैंने दो लगाई थी क्योंकि ये डेमो वीडियो थी। तो यहाँ पर इस मैं क्लिक करता हूँ, आप देखिएगा, ओ सॉरी फिर से अगेन से मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ओके। यहाँ पर आपको बता देगा इसने सब्सक्राइब कर दिया सक्सेसफुली और इसको वो नेक्स्ट ब्राउज़र पर ओपन जाने से पहले इसको यहाँ पर स्टॉप कर देगा। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ी देर के बाद एग्जैक्टिंग कर रहा है। अगर आपने इसको कहीं भी स्टॉप करना, कंट्रोल सी आप टाइप करेंगे तो ये वहाँ पर ही स्टॉप कर देगा, नेक्स्ट स्टेप पर भी जाना अगर आपने इसको स्टॉप करना है। आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं एक न्यू टूल के साथ, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।